देखेंगे, राइट। एंड सीएसएस में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्योंकि सीएसएस काफी डिटेल है। अगर आप देखें तो डिवेलपमेंट है, डायमेंशन है, यूनिट्स के लिए है, डिबगिंग है, रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप टोटल जाकर के देखोगे तो अराउंड आपका 47 चैप्टर्स हैं, राइट, जो मेजर सेक्शन है। तो बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि एक दो सेक्शन करने के बाद देन विल मूव टू द जावा स्क्रिप्ट, राइट, एंड इन पैरेलल दोनों को हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो टाइम आप लोगों को लगेगा वो जावा स्क्रिप्ट पे लगेगा, एंड दैट्स वेयर द मेन प्रोग्रामिंग लॉजिक इज देयर, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के केस में हमारे नंबर ऑफ चैप्टर और भी ज्यादा हैं। इफ यू सी दैट अराउंड 65 चैप्टर्स हैं, और इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो माइट बी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स विल मूव टू द जावा स्क्रिप्ट। एक और है, सोशल मीडिया पे कैनवा का डिजाइनिंग, और ये आप लोग भी कर रहे हैं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं 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 कर रहे, राइट, ओके, ठीक है, तो ये ग्रुप कंटिन्यू रहेगा एंड विल कंटिन्यू ऑन दैट पार्ट। ओके, सो लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था वो लास्ट कवर किया था कि हम क्लास आईडी को कैसे यूज करेंगे, मल्टीपल क्लास को कैसे कॉल करेंगे जब भी आपको क्लास को नेम को अगर देना है। एंड देन लास्टली जो सबसे लास्ट किया था हमने, वो यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में किया था कि अगर कोई भी सीएसएस का प्रॉपर्टी अगर आप स्टार टैग के साथ लिख रहे हैं, जैसे कलर इक्वल टू डार्क ग्रीन, तो जितने भी टैग आप उसमें लेंगे सब में वो आपका कलर अप्लाई होगा, राइट। स्टार का मतलब होता है कोई भी टैग मैं यहाँ पे लूंगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ओएल टैग लिया जो लिस्ट बनाने के लिए होता है, एल आई टैग लिया, राइट, तो आप जो भी टैग लोगे उस पे कलर पैटर्न आपका ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो लास्ट हमारा ये लेसन था। नाउ आज हम प्रोसेस करेंगे एट या नाइन तक कवर करने का। दैट विल सी हाउ थिंग्स विल गो। कलर का क्या है कि जैसे आप जो भी कलर आप यूज कर रहे हो, आप उसको दो तीन तरह से लिख सकते हो, राइट। कलर को एक आपका कलर का नाम, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो आप लिखते हो, राइट। एंड दूसरा एक होता है आरजीबी कलर। आपको मालूम है कि जो भी हमारे पास कलर है वो रेड, ग्रीन और ब्लू को मिल करके बना हुआ है, राइट। आप देखोगे पर्पल है, पिंक है, उनका थोड़ा थोड़ा आप कलर का कम्बिनेशन कम करोगे, ज्यादा करोगे, तो एक नया कलर बन के आ जाएगा, राइट। तो आरजीबी कलर में आप उनको डिफाइन करोगे, क्योंकि कलर के नाम तो लिमिटेड है ना, लेकिन कलर के नाम थोड़ा थोड़ा अगर लाइट करते जाओगे तो कलर चेंज होते जाएगा, तो वो चीज कैसे बैलेंस होगा। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वो हेक्सा कलर को यूज करते हैं। हेक्सा कलर में आपका जो भी देखोगे वो इस तरह से लिखते हैं, तीन सेक्शन में डिफाइन डिफाइन होता है। जैसे ऑरेंज कलर का अगर हेक्सा वैल्यू है तो हैज FFA500, ग्रे का जो वैल्यू है 8080, राइट। अगर ब्लैक का अगर वैल्यू देखोगे तो सारा अगर 000 कर दोगे तो ब्लैक हो जाएगा, और सारा अगर आप व्हाइट कर दोगे FFF, ये आपका हेक्सा में आपका कलर का वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो वो अच्छा हेक्सा में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। अगर आप देखोगे Let's say this one. Name का आपको मालूम है,
आप स्ट्रेट जो भी कलर का नाम है वो लिख सकते हो, एंड वहां पे उसका इम्पैक्ट आपका आ जाएगा, राइट। ये नेम राइट, ये लिखने का तरीका है केवल। अगर यहाँ पे अगर आप जाओगे, इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि नाम के वाइज और उनका हेक्सा कलर वैल्यू क्या है, राइट। तो ये देखो इतने सारे एक्टिव कलर्स हैं जिनका आप नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा वैल्यू दिया हुआ है, राइट। अगर डार्क गोल्डन है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, या तो आप डार्क गोल्डन लिखोगे या फिर आपका जो भी है यहाँ पे, अगर मैं बैकग्राउंड कलर में ब्लैक के जगह पे कर दूंगा डार्क गोल्डन, तो आपका डार्क गोल्डन हो जाएगा। या ब्लैक ही रहने दूंगा, हेडिंग का कर दूंगा मैं डार्क गोल्डन, तो आपका डार्क गोल्डन हेडिंग आ जाएगा, राइट। तो या तो आप ये जो वैल्यू है वो लिखो, राइट, या फिर लिखो डार्क गोल्डन। डार्क गोल्डन नहीं लिया, डार्क गोल्डन रॉड, डार्क गोल्डन रॉड नाम है इस कलर का, ठीक है। तो अगर आप डार्क गोल्डन रॉड, ठीक है, तो ये आपका कलर आ गया। तो ये आप एक रेफरेंस में ले सकते हो कि आपको जो भी इनमें से कलर डिजाइन पसंद आए आप उसको पिक करके यूज कर सकते हो। बहुत सारे कलर का नाम और बहुत सारे कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यू दिया हुआ है, समझ गए। तो या तो आप ये कलर का नाम लिख दिए जो वॉयलेट है, या फिर जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो लिखिए। दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो आपका कलर अप्लीकेबल हो जाएगा किसी के भी लिए, राइट। मैटर नहीं करते कि आप किसके लिए कर रहे हैं, कलर के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए। तो आप दो तरह से इसको लिख सकते हैं, या तो वॉलेट लिखिए या फिर यहाँ पर जो आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू दिया है उसको लिखिए, ओके। That's what they're saying, right? Clear है? Yes, sir. Okay. So next, so you can go next from here too. Okay. यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेब डिजाइनिंग इनकम्पोज द मेनी डिफरेंट स्किल्स एंड डिसिप्लिन्स इन द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। द डिफरेंट एरिया ऑफ वेब डिजाइन इंक्लूड वेब ग्राफिक्स डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन, ऑथरिंग इंक्लूडिंग स्टैंडर्डाइज्ड कोड एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन एंड द सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। सो ऐसे आप हम लोग पढ़ रहे हैं तो, बट वेब डिजाइनिंग में बहुत सारे सेक्शन हो जाते हैं उसमें भी, जहाँ पे एक्सपर्ट लोग होते हैं। यूआई डिजाइन का मतलब हो गया कि कैसे यूजर इंटरफेस यूज करेगा, मतलब जो भी आप बना रहे हैं इनपुट एक्शन वो सारी चीजें, तो इसमें बहुत सारे सेक्शन हो जाते हैं। और कोई भी वेबसाइट पे तो आपको वीडियो पिक्चर ये सब चाहिए ना, तो वहाँ पे आपका ग्राफिक्स डिजाइनिंग काफी ज्यादा यूज होता है, राइट। वेब ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो आपको यूज करना हो, पिक्चर और ये सारी चीजें, I mean just saying on that, but you need to put the color. This is exercise that you can use it. Okay. In case of the RGB color, ज़्यादातर ये popular नहीं है web में, but RGB color में आपका यहाँ पे होता है वो आपका red का value होता है, ये green का value होता है और ये blue का value होता है, और ये तीन digit में आपका 00 से लेकर के 255 maximum होता है, right? तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप 000 तीनों को कर दोगे तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा, और 255 कर दोगे तो वो वाइट हो जाएगा, और पहला जो कलर है वो रेड है, दूसरा जो है वो ग्रीन है, और तीसरा जो है वो ब्लू है, राइट। तो अब इसमें जैसे भी नंबर तुम घटाओगे बढ़ाओगे उसके अनुसार क्या होगा आपका कलर चेंज होगा। हाँ, तो जैसे अगर आप देखोगे हमारा वेब डिजाइनिंग वाला है, अगर आपको एग्जैक्ट रेड करना है तो आई थिंक इफ यू डू दैट 00 एंड 255, सो इट शुड बी एग्जैक्ट रेड, राइट। क्योंकि आप फुल जो नंबर वेटेज दे दिया है वो रेड को दे दिया है, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन कम हो गया है,
अगर आपको ब्लू करना होगा तो क्या करोगे? हाँ, उसको जो लास्ट वाला है उसको 255 कर दोगे। मैक्सिमम वैल्यू जो होगा किसी कलर का वो 255 होगा, तो वो ब्लू हो जाएगा। और अगर दोनों को ब्लेंड करना है तो यहाँ पे रेड का कोई भी कलर वैल्यू बिटवीन 0 to 255 रखोगे, तो अब यहाँ पे रेड का कॉम्बिनेशन हो गया 200, ब्लू का हो गया 255, तो कुछ ना कुछ अलग कलर बनेगा। ठीक है, तो ये कलर बनेगा, तो ये भी अच्छा है, आप अपने अनुसार इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर इसको आपने 100 कर दिया या 50, तो आपका कलर में फिर थोड़ा सा असर आएगा, ब्लूइश ज्यादा है क्योंकि असर आपका वहां पे वो उतना ही दिखा रहा है। अगर दोनों को 50-50 कर दोगे, नाउ यू विल सी इस लगभग आई डोंट नो कौन टाइप क्या दिख रहा है, राइट? तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि आरजीबी में वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि तीन कलर कॉम्बिनेशन को मिक्स करता है वो। अगर मान लो इसमें ग्रीन का भी थोड़ा मिक्स कर दिया तो डेफिनेटली अ डिफरेंट कलर विल कम टुगेदर, राइट? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है स्पेक्ट्रम में 0 to 255 प्लस थ्री कलर का मिक्सिंग है, तो जैसे जैसे आप उनको मिक्स करोगे वैसे वैसे एक नया कलर बन के निकलेगा, राइट? तो आप सोचो 255 255 255, आपके पास हजारों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, राइट? हजारों कॉम्बिनेशन बना के आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज इंटरेस्टिंग। बट आरजीबी में एक चीज आप देखोगे, जब भी आप आरजीबी कलर्स लिखना चाहते हो किसी में, तो आपको लिखना होगा आरजीबी ब्रैकेट, उसके बाद रेड कितना है, ब्लू कितना है और ग्रीन कितना है, उन तीनों का वैल्यू कॉमा करके, तब वो आपका रिजल्ट दिखाएगा। सेम थिंग, राइट? क्लियर है? अब अगला है हेक्साडेसिमल का, जो मैंने बोला। तो हेक्साडेसिमल में जो आपका वैल्यू होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं। ये भी बेसिकली आपको उसी को रिप्रेजेंट करता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। इट जस्ट लाइक लिखने का तरीका, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जहाँ 0 to 9 होता है और उसके बाद ए से लेकर के एफ तक होता है, ए बी सी डी ई एफ, राइट? तो जो भी नंबर, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो विल गो ऑन दैट। फंडामेंटल में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि आपका, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं जहाँ 1 to 0 होता है, उसी से नंबर बनता है, राइट? क्योंकि कोई भी नंबर आप बनाओगे 1 to 0 के बीच में, राइट? 1 to 0 से 9 तक, राइट? उसी से आपका नंबर बनेगा। बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर यूज करता है उसमें नंबर केवल 0 or 1 होता है, बस और कोई नहीं। उसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, 0 or 1। उसका रीजन है क्यों कंप्यूटर वैसे यूज करता है, विल सी इन दैट फंडामेंटल क्लास। उसके अलावा भी कई सारे नंबर सिस्टम है। एक नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल है जिसमें 0 to f तक होगा। आप तो उसी तरह अगर आपको व्हाइट कलर चाहिए तो सारा 0 0 0 है, अगर आपको सॉरी ब्लैक, अगर व्हाइट चाहिए तो सारा एफ एफ है, जो हाईएस्ट वैल्यू है, तो आपका यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा। तो देखो वही चीज है, हैश के बाद आपका दो जो पहले का डिजिट होता है वो आपका रेड का होता है, उसके बाद ग्रीन का होता है, उसके बाद ब्लू का होता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो 6 होते हैं, और यहाँ पे आपको मालूम है जो वैल्यू होता है वो 0 0 हो सकता है या एफ 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 हो सकता है मैक्सिमम। तो इसमें भी अगर आप उसी तरह से प्ले अराउंड करोगे, इसको आप 0 0 कर दोगे जो कि रेड है, और ये आपका ग्रीन है, और ये आपका वाइट है, राइट? तो आप देखोगे आपका कुछ ना कुछ अलग आपका बनेगा कलर, राइट? ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन प्ले अराउंड, राइट? और आई थिंक इज टेकिंग ओके, दिस टू वैल्यू वाला रेड इज 0 0, ब्लू इज 0 0 एंड ग्रीन हैज सम वैल्यू, राइट? सो द वैल्यू कुड बी ईदर 0 0, देन इट विल बिकम व्हाइट। इफ यू डू द एफएफ देन इट विल बिकम, द हाईएस्ट वैल्यू कुड बी 0 to 9, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, ये हो सकता है, राइट? तो आपका कलर इसमें भी आपका ब्लेंड होकर के आ जाएगा, राइट? तो आप 1 1 भी रख सकते हो या व्हाटएवर यू वांटेड टू कीप इट, एंड इट्स मोर अबाउट द ब्लैक साइड। ओके, सो दैट्स अबाउट तीन तरह से लिखने का तरीका है, हाउ यू कैन राइट इट। यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो कलर है वहाँ तीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टू डिजिट, ठीक है?
ये तीन कलर का आपका लिखने का तरीका है, और जब आप नंबर देखोगे यहाँ पे तो ये कलर कोडिंग किस सिस्टम में है? एनीवन? हेक्सा हेक्सा, यस, ये कलर आपका हेक्सा स्टाइल है, तो आप देख करके वो अपना कर सकते हो, राइट? कूल, ये देखो HSL कलर सिस्टम। HSL कलर सिस्टम रिप्रेजेंटेड थ्री वैल्यूज, इसमें एक और कलर से, वो तो आपका रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन पे हो गया। HSL कलर सिस्टम में जो है वो तीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। इन तीनों को मिला करके आप और भी ज्यादा ब्लेंडेड कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो जैसे आप देखो ये कैसे कलर प्लेट बन रहा है, यहाँ पे डिग्रीज हैं एंड उस डिग्रीज के अंदर में ये आपका लाइटनेस है, कितना डीप और कितना लाइट होगा। तो हर एक डिग्री पे आप देख रहे हो कि कलर का प्लेट थोड़ा चेंज हो रहा है, और जैसे आप अंदर जाओगे परसेंटेज कम करोगे वो डार्क होगा, और जैसे जैसे परसेंटेज आप ज्यादा करोगे वो लाइट होते जाएगा। तो एट द एंड में अगर आप जाओगे सारे कलर प्लेट पे तो वो व्हाइट है, राइट? क्योंकि अगर कोई भी चीज ज्यादा ब्राइट कर दोगे तो व्हाइट हो जाएगा, राइट? और इन द सेंटर में चले जाओगे तो आपका डार्क हो जाएगा। लेकिन यू सिस्टम से अगर आप देखोगे तो कितना आपके पास वेरिएशन हो गया, आप स्लाइड से स्लाइड लाइट कलर बना सकते हो, राइट? तो आई थिंक दिस इज गिविंग यू मोर कंट्रोल। अब जैसे यहाँ पे मैजेंटा कलर बनाना है तो 300-150 डिग्री के ऊपर आपका मैजेंटा कलर बन रहा है। अगर आप जो सबसे टू स्टार्ट एट द जीरो डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है वो स्टार्ट होगा जीरो डिग्री से एंड इट गोज ऑल द वे टू 360 डिग्री, राइट? इस तरह से उसने कलर व्हील को बनाया है कि ऑल द वे मैक्सिमम जो वैल्यू कुड बी दैट वुड बी द 360। सिचुएशन के केस में आपका स्ट्रॉन्ग कलर लाइटनेस है, 0% से लेके 100% हो सकता है, राइट? तो ये इस तरह से उन्होंने किया है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, तो जो आपके थ्री वैल्यूज हैं, राइट, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस का, तो पहला जो वैल्यू है वो आपका नंबर वैल्यू में कितना डिग्री है, राइट? 360 मतलब सर्कल, राइट? 90 डिग्री, यू ऑल नो दैट दिस इज 90, राइट? स्ट्रेट लाइन इज द 180, राइट? एंड सर्कल इज द 360 डिग्री, राइट? दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और ये आपका परसेंटेज है, कितना डार्कनेस, द हायर इज द लाइट एंड द लोअर वैल्यू इज द डार्क। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है। इसमें आप HSL करोगे, HSL के बाद वो आप वैल्यू डालोगे और उनका परसेंटेज डालोगे, राइट? तो उसके अनुसार आपका कलर बन के आ जाएगा, राइट? आई एम पर्पल, आई एम ब्लू, आई एम ग्रीन, ओके? तो लिखने का तरीका आपको इस तरह से लिखोगे, पहला वैल्यू में एब्सोल्यूट नंबर होगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा में आप परसेंटेज ऐड करोगे कि कितना परसेंट है ना। परसेंटेज आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितना? एक से लेकर सब के बीच में मैक्सिमम जो हो सकता है वो 100% हो सकता है, राइट? और ये जो हो सकता है मैक्सिमम होता है 360, उसको ज्यादा नहीं होगा क्योंकि डिग्री में है, तो 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। परसेंटेज में है तो 10% होगा या 100% होगा, ऐसे 200% भी लिख सकते हो, बट आई थिंक 100 मीन्स 100% हो गया, तो 100 में से अब क्या उसके ऊपर क्या चाहिए, सारा का सारा ले लिए, अब क्या चाहिए, है ना? तो ये आपके कलर सिस्टम, ठीक है? यहाँ पे उसने यही बोला है, आपके एक्सरसाइज इस तरह से इसमें दिया हुआ है, तो जब थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ने लगेंगे आई थिंक जो कम्फर्टेबल है वो यहाँ से भी फॉलो कर सकता है। आई विल ड्रॉप दिस लिंक जहाँ से आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस हम लोग इसी से फॉलो करेंगे, राइट? जो भी यहाँ पे दिया गया है उसी को जस्ट हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे उसने लिखा है 0-0 कर दोगे तो ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद ऐसे कर दोगे तो तुम क्यों हो गया, ठीक है? एनएफ तो ये चीज उन्होंने लिखा है, ठीक है, आप अपना कलर सिस्टम को डिजाइन कीजिए एंड देन यू कैन गो ऑन दैट, राइट? एक्सरसाइज है तो यू कैन वर्क ऑन दैट। HSL कलर में लिखना है तो यू कैन वर्क ऑन दैट HSL कलर में, ठीक है?
तो वही यहाँ पे फिर से उसने रिवाइज, जैसे आप अलग अलग कर सकते हो राइट। तो ये आपका आरजीबी स्टाइल है, ये आपका हेक्साडेसिमल स्टाइल है, ये आपका एचएसएल स्टाइल है राइट। तो अलग अलग स्टाइल हैं जिनमें आप अपने कलर को डिफाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दैट कि कितना फाइन कंट्रोल आपको चाहिए राइट। जितना फाइन कंट्रोल चाहिए उसके अनुसार आप कलर डिजाइन को बना सकते हो राइट। तो आप लोग ट्राई आउट करना और कोई कलर डिजाइन बना के दिखाना, कोई नया कलर खोजना ठीक है, कि कौन सा कलर ज्यादा अच्छा है। हाँ बोलो जी भाई, आप हम कह रहे हैं कि वो हमने बनाया था टेक्स्ट एरिया वाला जो होता है कोड, उसमें हमने बनाया था, तो उसको लगाने पर बड़ा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, 3 रो डाले थे और 30 कॉलम्स डाले थे। तो या आई मीन जब ड्रैग करोगे तो उससे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बट अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट में जो होगा वो जो साइज डिफाइन की हो, जैसे नया पेज जब भी करोगे ना, जैसे आप इसको रिफ्रेश करते हो राइट, तो पहली बार जब रिफ्रेश करोगे तो मुझे लगता है उसी के साथ आना चाहिए, बाकी उसके अनुसार आप उसको एडजस्ट कर सकते हो राइट। तो नहीं तो उसमें उसे कोई दिक्कत है, मैं समझा नहीं। नहीं उससे दिक्कत नहीं है, बस वो बड़ा हो जा रहा था, हमने सोचा कि थोड़ी ट्रबल हमसे हो गया होगा। ओके ओके, नहीं 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 ठीक है। वो एड्रेस के बाद वो डिबा वाला जो हमने लिखा था वो कोडवा याद नहीं पड़ा है कि हम आपको बताएं। एड्रेस के बाद तो एचटीएमएल बुक में देखा, उसमें नहीं है, याद नहीं पड़ रहा हमें, याद था। एक मिनट, तो ये let it complete, then we can come on that, right? ठीक है। और दूसरा हमारा अब है, next is the div. Div element क्या है और क्यों जरूरी है, right? तो if we go back, please note. All right, so. ओके, सो डिव एलिमेंट क्या करता है कि आपको डिफरेंट सेक्शंस को वो ऐड करता है, और वो क्यों जरूरी है, जैसे आप देखो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, राकेश आप भी देखो, देन विल कम बैक ऑन दैट, लेट इट क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, फिर विल कम बैक ऑन दैट। ओके, तो जैसे देखो, अगर आपने बैकग्राउंड कलर ऐड किया H1 के ऊपर और P के ऊपर, तो आपको मालूम है कि दोनों के बीच में स्पेस आया है, तो बैकग्राउंड कलर के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो बीच में वाइट स्पेस है राइट। तो आपको ऐसा तो नहीं चाहिए ना, ऐसा अगर कलर करोगे तो वो पैटर्न जैसा लगेगा राइट, बीच बीच में वाइट आते रहेगा। आपको क्या चाहिए कि दोनों ब्लेंडेड हो राइट, ब्लेंडेड मतलब वो ये जो बीच में वाइट दिख रहा है वो भी आपका ऑरेंज कलर का चाहिए राइट, ये जो भी कलर है पीच कलर राइट। तो वहीं पे इसी के लिए आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डीव दिया। डीव से क्या होगा, जब आप डीव ऐड कर दोगे और जितने भी सेक्शन को एक साथ ग्रुप करना है, समझो इस तरह से कि एक एक झोले में रखना है, तो जब एक बास्केट में एक झोले में रखना है जिन जिन टैग को, तो आप डीव स्टार्ट करोगे और डीव क्लोज करोगे। डीव का अपना कोई असर नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो डीव के अंदर में आ गया, और डीव का जो कलर है वो आपने पीच पफ कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, और आप देखो इस तरह से ब्लेंडेड आ गया, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि पहले वो लाइन लाइन की तरह बीच में व्हाइट आ रहा था, जब आपने डीव के अंदर में डाला तो इस तरह से हो गया ठीक है। तो इसलिए हम लोग डीव टैग को यूज करते हैं ग्रुप करने के लिए, जितने भी एलिमेंट को आप किसी को भी ग्रुप कर सकते हो, टेबल है, हाइपरलिंक है, लिस्ट है, अगर सबको एक साथ ग्रुप करना है तो आप डीव एलिमेंट को यूज करोगे, या फिर अल्टरनेटिवली में आप क्या कर सकते हो, अगर मेरे ख्याल से डीव की जगह पे आप बॉडी भी यूज करोगे तब भी आपका वही काम होगा राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है डिव एंड बॉडी में, प्रॉब्लम ये है कि इन केस ऑफ द बॉडी पूरा आपका जो कंटेंट है वो अलग कलर का हो जाए, मतलब एक ही कलर का हो जाएगा राइट, अलग अलग से कलर नहीं होगा है ना ठीक है। यहाँ पे फिर उसने अब एक्सरसाइज दिया है, तो इसमें उससे ज्यादा नहीं है राइट। तो आप इसने डीप दिया है, अलग अलग उनको आईडी बनाने हैं, और आईडी के बाद उनको अलग अलग सेक्शन एंड कॉलम ऐड करने हैं राइट।
जब आप उनके अलग अलग सेक्शन करोगे, दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर दोगे एंड देन यू विल वर्क ऑन दैट, राइट। तो जैसे मान लो आपने ये रखा कि यू गाइस कैन ट्राई आउट एंड इसमें आपको बेसिकली वही करना है। जैसे अगर आप देखो तो ये आपका पहला डिव है, राइट। आपने डिव को क्लोज किया, जो दूसरा डिव है वो आपका यहाँ पे आ गया, क्योंकि इस एक डॉग वाले को अलग सेक्शन में किया, फिर यहाँ पे डिव किया, और इस डिव को भी आपने डिवीजन जो है या सेक्शन है इसको लास्ट में जाकर के क्लोज कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है CSS, राइट। तो अगर मान लो यहाँ पे CSS लिखते हो डिव, उसके बाद कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रेसेस एंड होगा, उसके बाद करोगे BSCH बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर लेना चाहते हो? ब्लू। ब्लू, ठीक है। तो आपने ब्लू कर दिया, तो अब क्या होगा, सारा ब्लू हो गया, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि पहला जो सेक्शन है उसका अलग कलर हो, इसका अलग कलर हो, तो वो कैसे होगा? एनी आइडिया? डिव को अलग नाम देना पड़ेगा, ऊपर वाले डिव को नाम देना पड़ेगा, नीचे वाले डिव को अलग नाम देना पड़ेगा। हमने इसका नाम दे दिया डॉग, राइट। और एक और सेक्शन बनाएंगे, डॉट दिया है तो हमारा क्लास है, या ये बोल रहा है आईडी बनाने के लिए, तो आईडी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हैश लिखना पड़ता है, राइट। हैश डॉग एंड हैश कैट, ठीक है। और इसका नाम हम कर देंगे जो भी लिखना, ऑरेंज, राइट। और ब्लू एंड ऑरेंज है तो हम लोग इसका जो कलर है वो व्हाइट कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब बैकग्राउंड आपका डार्क होगा तो फॉन्ट कलर आपका लाइट होना चाहिए, और अगर आपका फॉन्ट कलर अल्टरनेट नहीं तो वो फिर नहीं असर करेगा, राइट, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ठीक है, एनीवेज, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, डिव का अब यहाँ पे करना होगा आईडी इक्वल टू डॉग डैस डॉग, राइट। और यहाँ पे हमें करना होगा आईडी इक्वल टू एस कैट, ठीक है। तो आई थिंक अब हो जाना चाहिए, लेट्स सी, कुछ भी नहीं हुआ, दैट्स इंटरेस्टिंग। है तो यहाँ पे नहीं, नीचे वाले डिब्बे में क्लोजिंग टैग नहीं है उसका, तो कलर वाले में, जी हाँ, बट ऊपर वाला तो असर करना चाहिए ना, है तो यहाँ पे भी तो है ही, इसमें क्लोजिंग टैग है, वहां पे नहीं था इशू, आई थिंक ये डीप है, यहाँ पे भी तो डिप क्लोज है ना, यहाँ पे भी डिप स्टार्ट हुआ तो ये क्लोज है, ये डॉग है स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट हुआ, ये क्लोज हुआ, अब आ गया आपका, ठीक है। तो आई थिंक द मिस्टेक ये हो रहा था कि जब आप यहाँ पे जब आईडी लिखोगे तो हैश से होगा, लेकिन आईडी वैल्यू में आपका वो नहीं होगा। यू सॉ दैट हमने आईडी का वैल्यू यहाँ पे केवल सिंपल जो नाम है वो लिखना है, क्योंकि आपने आईडी लिख दिया तो उसको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे आप हैश, यहाँ पे हैश लिख दोगे तो फिर आप वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्लोजिंग का नहीं था, अगर यहाँ पे लिखोगे तो हैश होगा, यहाँ पे देखो फिर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ओके, ठीक है। तो आईडी को कॉल करते समय आपका नहीं होगा, तो दो आप दो दो इस तरह से सेक्शन बना लोगे। बट एनीवे, गुड गुड, आई थिंक यू गाइस आर थिंकिंग इन राइट वे, ओके। सो ये डिवीजन का बस वही है, आप अलग सेक्शन बनाते हैं ताकि आपका सेक्शन पे वो अप्लाई हो सके, तो अलग अलग सेक्शन आपके बनते जाएंगे और उनका कलर आपका आते जाएगा, ओके।
एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, बट बिकॉज आई थिंक राइट नाउ हम उस तरह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका सीएसएस का क्विज है, राइट? तो पता नहीं क्या सीएसएस क्विज में है। चेंजेस में कुछ दिख नहीं रहा, कुछ ठीक है, क्विज क्यों नहीं आ रहा। ठीक है चलो, हम लोगों ने एक मेजर सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया, विल सी दैट कि क्यूज क्यों नहीं आ रहा था। तो लेट्स गो ऑन, अभी कितना टाइम हो रहा है वहां पे? आज तो छुट्टी, आज तो किसी को कहीं नहीं जाना ना। 4:26 हो रहा है, ठीक है। तो जब लगेगी ज्यादा है देन विल लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट वन, राइट? ओके ओके। सो डायमेंशन एंड यूनिट की बात कर रहा है, तो डायमेंशन एंड यूनिट में ये डिफाइन कर रहा है कि आप कैसे साइज को डिफाइन करोगे, राइट? क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई आप डिजाइन करोगे, दरवाजा का भी साइज बनाओगे, विंडोज का साइज बनाओगे, राइट? बिना साइज ये तो नहीं बना सकते ना, तो वहां पे आप साइज कैसे डिफाइन करोगे, तो उसको पिक्सल में बोलते हैं। जैसे पिछली बार भी आपने देखा था, फॉन्ट साइज जो हमने दिया था वो पिक्सल में दिया था। तो किसी भी चीज का अगर आप डिफाइन करना है साइज, तो आप पिक्सल में दोगे। तो जैसे यहाँ पे देखा गया, कलर आपका ये F5 हो गया, और जो हाइट है वो 200 पिक्सल है, राइट? और इमेज का जो हाइट है वो 50% है, राइट? इसमें क्या होगा कि जो 200% का डिवीजन है उसमें जो इमेज होगा वो 50% ही एरिया को कवर करेगा, राइट? तो द डेप्थ गिवन बिलो इज सेट टू 200 पिक्सल हाइट एंड द इमेज इज सेट टू द 50% ऑफ द हाइट ऑफ द डेप्थ, राइट? ठीक है, यानी कि ये 100 पिक्सल का आपका इमेज बनेगा वहां पे जो एड ऑन होगा। यहाँ पे तो बड़ा सा है, उसको बोला है कि आप डिफाइन करो, तो उसको आप कर लोगे, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे इसने अलग अलग डीप सेक्शन लिए हैं। एक सबसे टॉप सेक्शन का नाम दिया है उसने कंटेनर, और उसमें बोला है कि आप उनके साइज को डिफाइन करो। वो तो प्रैक्टिस के लिए है। तो एक हो गया हाइट, दूसरा हो गया वेट। तो हाइट के बाद वेट भी आप डिफाइन करोगे, वो भी या तो परसेंटेज में होगा या पिक्सल में होगा, ठीक है? परसेंटेज जो होगा वो हमेशा आपके स्क्रीन साइज के अनुसार कैलकुलेट करेगा, पिक्सल जो होगा हमेशा वो डिफाइंड होगा, उसमें चेंज नहीं होगा, उतने साइज में रहेगा। तो जैसे अगर आप देखो कि पहला डिवीजन उसने बनाया वो 300 पिक्सल का है, दूसरा जो बनाया है उसने 50% विड्थ का रखा है, और यहाँ पे उसने कलर कोडिंग दिया है, पेरेंट्स का जो बॉर्डर दिया है वो 3 पिक्सल बॉर्डर है, सॉलिड है एंड डार्क कलर है, राइट? तो प्रॉपर्टी को बॉर्डर का जो प्रॉपर्टी है, बॉर्डर में आप हमेशा बॉर्डर का विड्थ कितना होगा, आपका स्टाइल क्या होगा और कलर का कौन सा होगा, तीन चीज आपका बॉर्डर का प्रॉपर्टी बना रहा है। तो ये एक नया प्रॉपर्टी है जो हमने आपने देखा अभी, ठीक है? और बाकी आपका जो वेट एंड हाइट है वो ऑटोमेटिक, जैसे आप 300 पिक्सल एंड 100 पिक्सल, कलर आपका येलो है तो पहला बॉक्स है, ये 50% ऑफ द वेट है, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि अगर ये बॉक्स का साइज है मान लो 100, 50% तो इट विल बी ऑलवेज बी 50% ऑफ दैट, ठीक है? ये अंतर है आपका पिक्सल में, और अगर आप परसेंटेज में डिफाइन कर रहे हैं तो ओके। Let's skip the challenge part on that. Width का भी exercise है जो आप जाकर के देख सकते हो और वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है? यूनिट के बारे में बता रहा है, लेंथ साइज एंड रिलेटिव यूनिट। तो जैसा कि दो तरह से आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, एक है एब्सोल्यूट वैल्यू जिसमें आप डिफाइन करोगे इतना हो, और एक आपका रिलेटिव यूनिट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, pixels measurement commonly used for this price exact size and dimension of the display, each pixel corresponds to the single dot on a screen and maintains same physical size of that regardless of resolution of the screen, right? That's where the pixel is used. Isme jaise it will be always the same, right? 100 pixel by 50 pixel hai to utna hi wo aapka use karega, right? And why they use the pixel word, because jo bhi aap dekhte ho aap स्क्रीन वो आपके मिलियन डॉट्स से बनते हैं, राइट? एंड हर डॉट का अपना कलर होता है, सो विल सी ऑन दैट लेटर की हाउ दैट्स गोइंग टू वर्क।
सो ही जस्ट री एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग कि आप उसको कैसे यूज करोगे। और यहाँ पे उसने चैलेंज में बताया इतना पिक्सल आप एक को रखोगे, फिर इतना पिक्सल दूसरे को, उसका थर्ड को, राइट? तो आई मीन लॉन्ग एंड शॉर्ट इज सेइंग लाइक हाउ यू कैन पिक्सल इट, एंड आई जस्ट सी लाइक आपका इस तरह से आपका बॉक्स कलर बन जाएगा अलग अलग पैलेट के अनुसार जो आप यूज कर सकते हो। जो रिलेटिव में होता है उसमें आप हमेशा परसेंटेज में दोगे, राइट? कि कितना परसेंट रहेगा, राइट? तो मालूम है 100% मतलब पूरा स्क्रीन कवर करेगा, 50% मतलब आधा करेगा, 25 मतलब क्वार्टर करेगा। तो उस तरह से आप परसेंटेज में अपने हाइट एंड वेट को डिफाइन कर सकते हो, राइट? जैसे देखो यहाँ पे उसने 100% किया है पूरा कवर, यहाँ पे अगर 50% ऑफ दैट किया है तो उसके अनुसार वो डिफाइन करे। तो दो तरह से करोगे, या तो पिक्सल में, देखो लॉन्ग इंसर्ट ये क्या, या तो आप पिक्सल में करोगे या परसेंटेज में करोगे, राइट? दो ही तरह से आप डिफाइन करोगे। इसलिए आप देखोगे कहीं पे परसेंटेज लिखा होगा, यानी कि पूरे स्क्रीन का 80% वो लेगा, कहीं पे आपका पिक्सल में लिखा होगा। उसके बाद आपका एक मार्जिन है और पैडिंग है। मार्जिन एंड पैडिंग क्या करता है, मार्जिन दोनों के बीच में गैप बताता है, और पैडिंग जो बताता है वो एक सेल से दूसरे सेल के बीच के गैप को बताता है, ठीक है? तो इन्होंने तीन बॉक्स के अंदर बॉक्स लिया है अगर आप देखोगे, और उनके अनुसार वो इस तरह से आपका डिजाइन बन के निकलेगा, राइट? ये ऐसा क्यों दिख रहा है, पीछे एक डिव है, दो तीन डिव इन्होंने यूज किया है, राइट? कंटेनर के अंदर कंटेनर, और उसके अनुसार उसका पैडिंग एंड मार्जिन डिफाइन किया है, तो आप देख सकते हो, राइट? बॉडी का मार्जिन आपका जीरो है, एंड बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है। तो बॉडी टैग जो है आपका ग्रे कलर का होगा और जीरो मार्जिन पे, तो ये आपका बॉडी हो गया जो लाइट ग्रे, जो बाहर का दिख रहा है। उसके बाद दूसरा इन्होंने डिफाइन किया है कंटेनर, उसका रखा है विड्थ 80% रखा है। तो आप देखोगे कि दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है। बैकग्राउंड कलर उसने टोमेटो रखा है, मार्जिन इक्वल टू 20 पिक्सल रखा है ऑटो, एंड पैडिंग भी 20%, राइट? तो यानी कि जो भी इसके अंदर कंटेंट लिखोगे वो 20 पिक्सल छोड़ के बनेगा, राइट? एंड जो मेन कंटेंट जो अंदर में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे कंटेंट को उसने कहाँ कॉल कराया है, कंटेंट को उसने सेकेंड डिवीजन में कॉल कराया है, जहाँ जिसको वो यूज कर रहा है, और यहाँ पे आपका हेडिंग दिया है और पैराग्राफ दिया है, और यहाँ पे क्लास को कॉल किया है डिवीजन में, वो कंटेंट किया है, राइट? तो आई थिंक इट्स अ गुड एग्जाम्पल कि कैसे आप अपने पेजेस को कंपोज करोगे इन अ बेटर वे। तो आपका ये देखो लाइट ब्लू हो गया, पैडिंग में 15 पिक्सल है, अगर पैडिंग को आप बढ़ाओगे, मान लो इसको 15 की जगह पे कर देते हो 50 पिक्सल, तो देखो क्या होता है। पैडिंग हमेशा बताता है कि जो बॉर्डर है उससे और जो अंदर का इमेज होगा या टेक्स्ट होगा उसमें कितना गैप होगा। अगर इसको कर दोगे 0 पिक्सल तो एकदम वो टच कर जाएगा, ठीक है? दैट इज पैडिंग, समझ गए? हमेशा जो लाइन से जो डिस्टेंस होगा कंटेंट का, 0 करोगे तो लाइन और कंटेंट टुगेदर हो गया, अगर इसको 50 करोगे तो दूर हो गया। तो हमें 50 भी नहीं चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए, आई थिंक 15 इज फाइन, दैट्स लुक गुड, थोड़ा सा स्पेस, ठीक है? लाइकवाइज मार्जिन टॉप, जैसा नाम है इसका मार्जिन टॉप, एक आपका मार्जिन हो जाएगा जो चारों तरफ करेगा, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल की हो, अगर आप इसको 0 पिक्सल कर दोगे तो यस सर नहीं कर, आई डोंट नो, तो ओके। सो ये मार्जिन टॉप आपका दे रहा है वो कंटेंट का जो ऊपर वाला जो डिव है उससे मार्जिन को बढ़ा रहा घटा रहा है, राइट? तो अगर आप इसको 0 कर दोगे तो इट विल बी क्लोज, एंड 50 आपका वहां पे गैप होगा, एंड देन 15 पिक्सल, राइट? तो ये गैप को ये डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से आप पूरे को कंपोज कर सकते हो। दो और प्रॉपर्टी को हमने देखा इसमें, एक मार्जिन प्रॉपर्टी देखा, और मार्जिन में आपका चूंकि मार्जिन है तो आपका टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम ये चारों होंगे, राइट? तो अगर आप केवल मार्जिन करते हैं तो चारों तरफ 20 पिक्सल होगा, अगर टॉप 15 करते हैं तो टॉप 15 होगा। अगर आप इसको दूसरा प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉप की जगह पे अगर आप मान लीजिए लेफ्ट लिखते हैं तो लेफ्ट में आपका यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो जाएगा और राइट में कम, राइट? तो ये लेफ्ट का स्पेस इस तरह से बढ़ रहा है, गॉट इट? तो उसी तरह मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम चारों तरफ से आप उसको सेट कर सकते हो, ओके? तो ये आपको डिजाइन करने में हेल्प करेगा, एंड अगेन यहाँ पे एक्सरसाइज दिया है, तो हर एक चैप्टर के इनमें एक्सरसाइज है, राइट? जहाँ पे आप उसने बोला है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है,
यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शन है, आप कैसे जानोगे, यहाँ पे एक्सरसाइज लिखा हुआ है और ये आपका चैलेंज लिखा रहेगा, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको क्या करना है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो पढ़ सकते हो देन यू कैन गो, एंड दिस इज द 17.13। तो अगर उसमें आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन डिस्कस, देन यू कैन कॉल मी 17.13। ओके, यू आर देयर? आप लोग कितना देर पहले डिस्कनेक्ट हो गए थे? हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया है। करा रहा है वो, तो वायर छूट गया था, वो केबल जो लगा है ना हाँ, वही निकल गया था, लगा के निकल गया ओके था, ओके। कैसे निकल गया? ओके, पता नहीं, देख रहा।
हेलो, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, राइट? हेलो, हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है आप, ओके। एक चीज और आपका है, कंटिन्यू टू गूगल, आपका एक यहाँ पे बिग बैंग एकेडमी का स्लैक कम्युनिटी है, तो स्लैक क्या है? आप लोग दो सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेट में बहुत पॉपुलर है, जब आप किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे तो एक सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम काफी पॉपुलर है, आप लोग स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है, राइट? और दूसरा एक जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है दैट इज आपका है स्लैक, ठीक है। तो स्लैक को आप गूगल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आपका जो भी गूगल अकाउंट होगा उसके साथ आप स्लैक को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आई सी दैट की क्यों नहीं, वो बिग बैंग के साथ बोल रहा है, राइट? ओके, तो यू कैन हैव अ स्लैक एंड देन यू कैन गो फ्रॉम देयर। तो एक चीज और मैं बता रहा था कि आई थिंक प्रॉबली मार्च एंड या अप्रैल के बाद आप लोग इंग्लिश क्लासेस भी होने लगेगा, देन जो बिग बाइनरी एकेडमी है, जो बिग बाइनरी कंपनी है, वो उसके जो प्रोफेशनल डेवलपर हैं वो रन करते हैं प्रोग्राम, राइट? तो आप में से सबको नहीं, जो सिलेक्टिव स्टूडेंट होंगे उनको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो गोइंग फॉरवर्ड दे विल असाइन अ टास्क टू यू और यू गाइज विल वर्क एज पर देयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक मैं शुरू में, चूंकि बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई विल कंटिन्यू व्हेन आई सी यू गाइज आर रेडी। थोड़ा बहुत वहां पे उनका दो चीज है, एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना है और उसके बाद एवरी डे वो 30 मिनट का कॉल करते हैं जहाँ पे यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन और या कोई चैलेंज है तो आप पूछ सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को ऐड करने का रीजन है कि वहाँ पे सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, राइट? और तो आपको एक अच्छा ग्रुप मिलेगा, राइट? कि व्हाट एंड हाउ दे आर डूइंग, पहली बात। और दूसरी बात कि लेटर ऑन स्टेज में जैसा हमारा वही प्लान है कि जब उसमें भी आप अच्छा करेंगे देन वील गो टू कि पुणे में इंटर्नशिप का, राइट? तो इसलिए हम उसी के लिए आप लोगों को रेडी कर रहे हैं कि जब एक लेवल आ जाएगा तो मैं हैंड ओवर कर दूंगा उनके टीम को, दे विल रन योर प्रोग्राम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आगे में जाके और कॉम्प्लेक्स होने लगेगा और जैसा वो इंस्ट्रक्शन देंगे यू गाइज कैन जस्ट फॉलो दैट, ओके। उनका जूम कॉल होता है, वो जूम कॉल पे 30 मिनट एवरी डे कनेक्ट करेंगे जस्ट लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ, और वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है वो चैलेंज करेंगे। तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि अप्रैल भी पूरा लग जाएगा टाइम, अप्रैल के बाद आई विल हैंड ओवर टू, आई विल मर्ज टू यू गाइज टू ऑन दैट टीम, ओके, ठीक है, साउंड्स गुड टू यू गाइज, ठीक है। तो या और वहां से आप लोगों का एक्सपर्ट लेवल का मेंटरशिप वो करेंगे, हम भी कनेक्ट करेंगे, हम वीक में एक बार कनेक्ट करेंगे या जैसा जरूरत पड़ेगा। अगर मान लो वहां पे भी आप लोगों को ज्यादा हो रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, तो आई विल कनेक्ट, तो मैं भी कनेक्ट करते रहूंगा, लेकिन रेगुलर मेंटरशिप उनके साथ आप लोग करेंगे तो ज्यादा आप लोगों का ग्रोथ होगा, ठीक है, बट नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, एक जब लेवल आ जाएगा आई विल सी लाइक कि यू गाइज आर रेडी फॉर दैट, ओके। आप इसको कहाँ लिखना चाह रहे हो? हमें ऊपर लेकर जाना है। हाँ तो वहाँ पे बी आर लिखो ना, लाइन ब्रेक करो दोनों के बीच में, बी आर लिखो, सामने हमें ले जाना है, जो इमेज हमें भेजा है ना फट करके उसके जैसा हमें करना है। हाँ तो उसमें आपने बी आर लिखा है लाइन ब्रेक के लिए, लाइन ब्रेक के लिए लिख रहे हैं तो एड्रेस ऊपर हो जा रहा है और डिब्बा नीचे आ जा रहा है। ओके तो ओके तो ठीक है, डिलीवरी एड्रेस का जो मैंने भेजा स्क्रीन प्रिंट, तो आपका कैसे आ रहा है? आपका भी तो वैसे ही है ना, क्या अंतर है? दोनों के पास ज्यादा है, राइट? और जो तो आपने क्या यूज किया है इसके लिए, टेबल यूज किया है? नहीं, टेबल हमने यूज नहीं किया, इसके लिए हमने वो टेराबॉक्स यूज किया है।
आप उसका कोड भेजो, आप उसका एचटीएमएल कोड भेजे हो? भेजे हैं तो ठीक है, वो एड्रेस के लिए है, लेकिन दूसरा तुमने यूज किया है लेबल यूज किए हो, राइट? हाँ, तो लेबल एड्रेस लिखने के लिए यूज किया। हाँ 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 ओके, एक काम करो, लेबल एड्रेस जो लिखे हो उसको, लेबल को हटा दो, केवल एड्रेस रहने दो, फिर देखो लेबल टैग हटा दो, लेबल टैग से बाहर करके लिखो, मेरे ख्याल से हो जाएगा वो। ठीक है तो या तो नहीं हो रहा। लेवल करने के बाद भी क्या आ रहा है? वैसे ही आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। और एक मिनट रुक जाओ, तुमने पूरा कोड क्या लिखा है? लेकिन पोस्ट कोड आपका ये आ रहा है और टेक्स्ट एरिया आपने ये लिख रहा है, टेक्स्ट एरिया के इन में क्या किया, बी आर है टेक्स्ट एरिया के इन में, तो दैट्स फाइन, दैट्स आफ्टर द एंड है ना। प्री टैग का यूज करने बंद हो जाएगा भैया? क्या कर लेते प्री टैग का यूज करने पर? नहीं, आई मीन आई डोंट थिंक सो दैट नीडेड, बट लेट्स सी, अगर मान लो मैं तुमने यहाँ पे अगर मान लो आपने इसको फॉर्म यूज किया, राइट, और उसके बाद तुमने क्या लिखा है, एड्रेस, एंड एड्रेस के बाद तुमने लिखा है टेक्स्ट एरिया, राइट, टेक्स्ट एरिया रोज इक्वल टू 3 एंड कॉल्स इक्वल टू, मान लो तुमने किया 50, तो ऐसे तो आ रहा है डिफॉल्ट में, देखो तो मेरे में तो ऐसे आ रहा है, पैसा तो हमारा ही भैया आ रहा है, लेकिन हमें जो कट करके हमें भेजा है ना, वैसा ही इमेज के जैसा चाहिए। कट करके भेजा है मतलब? हमने एक फोटो भेजा है ना कट करके, ग्रीन कलर का है, वैसा हमें चाहिए। हाँ तो आई मीन इसमें क्या यूज किया है उसने, मोर लाइक दी आप पैडिंग और ये सब को यूज करोगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर इसमें, अगर तुम्हारा कौन सा है एड्रेस जो तुम यूज कर रहे हो टेक्स्ट एरिया, वो तो उसने डिफरेंट डिप सेक्शन यूज किया होगा, वो देखना पड़ेगा। वो स्क्रीन तुमने कहाँ से लिया है? हमने इमेज लिया है गूगल से। हाँ तो वो सी आई मीन अगर आप कोई भी एक, जैसे अगर आप कोई भी सेक्शन इमेज देखते हो तो उसके पीछे उसका वेल स्ट्रक्चर, जैसे मान लो अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो, राइट, तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे लेयरिंग किया गया है, राइट, और जैसा अभी हमने डिफरेंट डायमेंशन को देख रहे थे जहां पे हमने लेयर किया है, राइट, तो वो चीज आपको सीएसएस का पूरा कंट्रोल सारे प्रॉपर्टी का होगा, देन यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई आउट। ओके तो
उन्होंने जैसे भी डिजाइन किया है, क्योंकि उसमें अलग अलग सेक्शंस एंड डायमेंशन दिख रहे हैं। एक और चीज आप कर सकते हो, आई थिंक इनिशियली मुझे लगा था इसलिए कि हो सकता है कि वो टेबल यूज किया हो, राइट? क्योंकि अगर टेबल एंड यूज करते हो तो तुम्हारे पास फुल कंट्रोल होता है कि आप उसको कैसे डिफाइन करना चाहते हो। और जनरली वैसा होता है कि जब भी हम फॉर्म बनाते हैं, राइट, तो एक वेल अलाइनमेंट के लिए हमने टेबल से मालूम है तुम्हारा फुल कंट्रोल आ जाता है, राइट? और टेबल में आपका TR होता है, एंड टेबल रो में आपका 2 TD होगा, एक लेबल के लिए होगा और दूसरा TD होगा जो आपका इसके लिए कंटेंट के लिए, तो मतलब इनपुट फॉर्म के लिए। तो ये हमारा फॉर्म का जो बॉक्स है, अगर उसको TD के अंदर में डाल दोगे, एंड जो एड्रेस है उसको FirstTD के अंदर में डाल दोगे, एंड उसके बाद आई थिंक यू कैन सी, एंड आई डोंट नो, उसके बाद आप उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो कि जो भी है। नहीं, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। आई थिंक अगर टेक्सचर एरिया का अगर आप देखोगे पैडिंग, सो नाउ इन दोनों के बीच में स्पेस तो आ गया ना, राइट? सो आई थिंक आप देख लो, राइट? वो प्लेस होल्डर के अंदर हम अगर कुर्सी में लिखना चाहें तो कैसे होगा वो प्लेस तो होल्डर? रिकर्सिव लिखना है तो उसके लिए तो फॉन्ट आपको वो ऐड करना होगा ना, फॉन्ट फैमिली को अगर आप यूज करोगे तब जाके वो जैसा लिखेगा, राइट? क्योंकि जो फॉन्ट फैमिली आपका अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जब आप जो भी हेडर के अंदर में फॉन्ट फैमिली इक्वल टू करते हो तो वो रिकर्सिव लिखता है, राइट? वो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद इनपुट प्लेस होल्डर डालकर लिखते हैं ना इंटर योर नेम, तो वो इंटर योर नेम हमें पर्सिंग में लिखा होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए फॉन्ट फैमिली को ऐड करोगे ना, रिकर्सिव का जो फॉन्ट फैमिली होगा, तुम यही बोल रहे हो ना कि वो फॉन्ट फैमिली को ऐड करोगे तब रिकर्सिव आएगा, राइट? तो मान लो आप बोल रहे हो इनपुट योर नेम, हाँ ठीक है, और यहाँ पे तुम कर रहे हो, इनपुट प्लेस होल्डर में आप क्या ऐड कर रहे हो? इंटरव्यू में ठीक है। अब इसका फॉन्ट स्टाइल जो रिकर्सिव करना चाहते हो तो फॉन्ट फैमिली ऐड करना पड़ेगा ना, फॉन्ट ऐसे, या फॉन्ट फैमिली करके जो आपका ये होगा, जो रुको, आप एक काम और कर सकते हो, जैसे अगर मान लो यू नो द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, तो जो भी सर्च करना चाहो गूगल पे सर्च कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली में आप कौन सा यूज करना चाहते हो, एंड देन यू कैन सी दैट। आई डोंट नो हु है वो वो आपका है कि नहीं है, वी कैन सी दैट, राइट? सो ये देखो, बॉडी के अंदर फ्रंट फैमिली रखा है रिकर्सिव, राइट? तो रिकर्सिव तो नहीं लग रहा, रिकर्सिव ऐसे थोड़ी होता है, राइट? बट जो भी है, जो भी आप फ्रंट फैमिली को ऐड करोगे वो फ्रंट फैमिली आपका वर्क करेगा, राइट?
आप उस तरह से अपना फ्रंट फैमिली बना सकते हो। यहाँ पे फ्रंट फैमिली को इसने हाइपरलिंक किया है रिकर्सिव एंड देन इज सेइंग दैट राइट, तो उस तरह से आप यूज कर सकते हो राइट। आई मीन यू कैन सर्च अबाउट दैट एंड यू कैन फाइंड दैट, क्योंकि आपका फ्रंट फैमिली जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, HTML आपके इसमें होना चाहिए फॉन्ट फैमिली, देन इट विल वर्क राइट। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीजें कोई नहीं, एक बार वंस यू कंट्रोल ऑल दोस थिंग्स यू नो दैट देन यू कैन प्ले अराउंड राइट। और ज्यादातर आप देखोगे तो आपका सीएसएस प्रॉपर्टी विल बी वेरी हेल्पफुल जहां पर यूज करोगे। ठीक है, so continue this thing right, और I'll highly encourage कि आप जो भी हैं आकाश आप राकेश एंड प्रेम अगर आप follow कर सकते हैं तो follow from here जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। yes, sir. अगर आपका challenge हो रहा है then we can go from there and we'll cover and उसके बाद you can go from there right. So, and I mean, time to time, आपको जाओ इस साइट पे, right? जो Big Binary Academy का है, and just chapter by chapter you can continue, right? Yes. So, and I think you can understand better, and Rakesh भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अगर challenge हो तो try out, right? और सारा कुछ छोटे-छोटे sentence में दिया गया है, ज़्यादा complicated नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे HTML कोड आप देख सकते हो, मान लो ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत भी हो आप अब आप कोड समझ सकते हो राइट। तो आप लोग राकेश एंड प्रेम आप भी कोड को देख करके आप समझ सकते हो कि कोड क्या कर रहा है और कोड में चेंज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो राइट। तो राकेश के लिए प्रेम के लिए हाईली इनकरेज एंड आकाश आपको भी कि जस्ट गो हियर कोड को देखें और कोड को देख करके आगे का बस यहाँ पे थोड़ा हो सकता है चैलेंज है। तो यहाँ पे चैलेंज में क्या बोल रहा है सेट द हाइट ऑफ इमेज टू 200 पिक्सल राइट। तो यहाँ पे आपको वही करना है IMG एंड यू नो दैट कि आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करना होगा एंड इसको करेंगे आपको 200 पिक्सल तो हो गया दैट्स इट राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर छोटे छोटे सेंटेंस हैं तो समझ जाएंगे और अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोड देख करके तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोड क्या कर रहा है राइट। तो इसलिए मैं हाईली इनक्रेज करूंगा कि आप तो कंटिन्यू करें और कोड क्या कर रहा है और छोटे छोटे सेंटेंस है ट्राई आउट करें और कोड को देखें दोनों को कनेक्ट करें थोड़ा बहुत तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल राइट। एंड तो ठीक है तो डायमेंशन यूनिट वाला जो मेरा चैप्टर है एंड ट्राई टू कंटिन्यू दिस चैप्टर 7 इसको कंप्लीट करने का कोशिश करें राइट। इससे इसमें वही सब बताया है परसेंटेज में कैसे आप उसको यूज करोगे तो यू कैन सी दैट राइट। तो एज ए होमवर्क मैं दे रहा हूँ इस चैप्टर 7 को आप खुद से ट्राई करें ओके and then we can connect on the gaps and all right okay. Yes, sir. Sounds good. Yes sir. All right and most likely is weekend se aaj to Saturday ho gaya Sunday ko we'll connect for English classes and then you guys can continue from home English virtual classes also okay. So yes, group mein aap log rehna I'll message ki what time you guys need to connect right. And you guys can connect from your home only, right? No need to come here. And or agar Saturday ko nahi ho sakta hai, to Monday ko for sure, right? So between Sunday and Monday, I'll introduce you guys to English teacher, right? Or un English ke teacher ke saath aap you can continue, okay? All right, sounds good. Okay, main do target mere mind mein hai ki aap logo ko jo Big Binary ka group hai, unme introduce karne se pehle एक इंग्लिश का थोड़ा सा लेवल हो जाए अच्छा राइट थोड़ा सा ज्यादा नहीं। आई मीन वहां पे एक चीज और जो आप लोगों को लगता है कि साउथ के सारे लड़कों को इंग्लिश बोलने आता है वो ट्रूथ नहीं है राइट। बिकॉज साउथ में भी वही प्रॉब्लम है उन लोगों का अपना तमिल और तेलुगु लैंग्वेज है राइट। तो तमिल है तेलुगु है कन्नड़ है
तो उनके मलयाली है, केरला के लोग हैं वो मलयालम में मलयाली बोलते हैं, राइट। तो उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है, वो भी जब आते हैं क्लास में स्टैंड अप में तो मतलब ज्यादातर लोग बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश, राइट। और जो एक दो बोलते भी हैं वो थोड़े टूटे फूटे में बोलते हैं, राइट। तो वो कॉमन प्रॉब्लम है और उसमें कोई ये बात नहीं है, तो धीरे धीरे आई मीन यू गाइस कैन कोप अप ऑन दैट, राइट। तो इसलिए आई थिंक मोस्ट लाइकली इट सीम्स लाइक यू गाइज आर वेरी फास्ट, राइट। सो यू आर अ गुड लर्नर, राइट। सो आई थिंक अप्रैल में सम टाइम आई विल इंट्रोड्यूस यू गाइज टू द विथ बिग बाइनरी टीम, ओके ओके। या जी कीप प्रैक्टिसिंग, और कहीं पे भी चैलेंज हो तो आई विल बी ऑलवेज देयर, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग, राइट। वी हैव टू गेट दैट इंटर्नशिप, राइट। मैं चाहता हूँ सभी लोग, जितने लोग हैं इस क्लासरूम में, सभी को इंटर्नशिप मिले, राइट। तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग फॉर दैट, इट वुड बी रियली गुड कि वंस यू विल गेट द इंटर्नशिप, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो या कंटिन्यू दिस एंड कीप कंटिन्यूइंग, राइट। आप लोग 7 चैप्टर को अभी भी टाइम है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना, आई मीन 15-20 मिनट और लगेंगे, इट विल बी डन। एंड इफ यू स्टक अप द नेक्स्ट क्लास विल फाइंड इट एंड विल गो फ्रॉम देयर, राइट। All right, take care, guys. Bye. See you. Yeah. अच्छा हम खाली बस ये तेरी करे नहीं बस भैया समझ दे काम के शाम पूछ के लगा देख तू तो नहीं है कहो कि तू मीठा आलू बनी है तू को कुछ कुछ नहीं है भैया तू को मैं से कहो कि ये मतलब सटीक जवाब ना दे कभी ए भाई कुछ नहीं हो है तो चल तो पुल जा लड़का को पता नहीं मन में हाथी चुकी थी ने का सामना तो